तो आ, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आपको कोई काम है तो बताइए। हाँ, काम तो है तुमसे अगर तुम मान जाओ। इनफैक्ट काम नहीं, अब तो रिक्वेस्ट है तुमसे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मुझे बताइए। दुआ, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ इस घर से एक साथ रुखसत हों। माँ, हम की शादी की तारीख हमने एक माह बाद की सोची है। तब तक तुम भी कोई फैसला कर लो, अच्छा लगेगा मुझे। आपका मतलब है कि माहम के इस घर से जाने के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती? मेरा मतलब तो ये नहीं था, लेकिन अगर तुम समझ रही हो तो यही समझ लो। मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ रुखसत करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दोगी। वो माहम के लिए आपने पार्लर की अपॉइंटमेंट ले ली? हाँ, ले ली है। और तुमने माहम के साथ जाना है, जी ठीक है। बात बदल दी है तुमने, लेकिन मैं भी जान नहीं छोड़ूंगी। जरा मंगनी के फंक्शन से फ्री हो जाऊं, हाँ करवा कर ही छोड़ूंगी तुमसे। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? आपको तो पता है मैं इतने हैवी कपड़े नहीं पहनती। माहम की मंगनी है, और मैं जानती हूँ कि माहम की मंगनी की खुशी मुझसे ज्यादा तुम्हें है।